गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह सुबह 5 बजे ही मैं मायके से निकल चुकी थी नानी के घर के लिए, और मैं कल रात में ही आ गई थी आजमगढ़। फिर यहाँ से मुझे निकलना था नानी के घर के लिए, तो अपनी सिस्टर को अपने भाई को साथ में लेके हम लोग निकल रहे थे रोडवेज की तरफ। तो पापा हमें छोड़ने जा रहे थे, तो राजा बेटा पापा के साथ बाइक पे बैठ गए हैं। यहाँ पे भाई भी मेरा बैठ गया है बाइक पे। मैंने बोला कि आप आगे आगे जाइए, हम लोग पीछे ऑटो से आते हैं, क्योंकि सामान थोड़ा ज़्यादा था हमारा। तो सुबह सुबह ऑटो भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग खड़े होकर रोड पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे किसी तरीके से ऑटो मिला। यहाँ छोटी वाली सिस्टर को अभी भी नींद आ रही है, क्योंकि अभी 5 ही बज रहे हैं और उसको मैंने 4:30 बजे ही जगा दिया था। फिर यहाँ पे हम लोग रोडवेज पहुँच गए हैं, तो ये सब जलेबी इंजॉय कर रही है। सुबह सुबह मैंने सोचा कि जलेबी खिलाते हैं कि बच्चों की आँखें खुले जल्दी से, क्योंकि सब के सब सो रहे थे। तो मैंने भी एक जलेबी खाई। सुबह सुबह इतना मुझे कुछ खाया नहीं जाता है, तो मैंने सोचा था कि एक जलेबी से ही काम चला लेती हूँ। फिर उसके बाद हमारी बस चल पड़ी है। राजा बेटा अपने मामा के पास बैठे हैं, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। मेरे पास रहते हैं तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ कि अच्छे से बैठो ये वो, लेकिन मामा के पास बैठने का ये फ़ायदा था कि उनको मजा आ रहा था। फिर उसके बाद वो मेरे पास आ गए थे। मेरे पास आने में उनको थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो इसलिए आए गए थे कि अब उनको मेरी याद आ रही थी। वो बोल रहे थे कि अब मुझे सोना है, तो मैंने उनको थोड़ा सा थपकी दिया कि वो सो गए थे नींद में। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी, कुछ दिक्कत थी, पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद में हम लोग उतर गए थे यहाँ से। फिर हमें एक बस मिलने वाली थी, हम लोग आगे चल के उतरे थे। फिर यहाँ से हम लोग को एक बस मिलने वाली थी, तो उसी का वेट कर रहे थे हम लोग। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि बस मिलेगी, और राजा बेटा का पैर बहुत तेज से दर्द हो रहा था, तो मामा उनको गोदी ले लिए थे। और राजा बेटा अपने मामा को प्यार कर रहे हैं, ये राजा बेटा की शुरू से आदत है। वो बस मामा को देख लेंगे तो उनका हाथ पैर दर्द होने लगता है, वो गोदी चढ़ना लगते हैं। फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो लिया और ऑटो लेके हम नानी के घर पर आ गए हैं। ये हमारे नानी का पुश्तैनी घर है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और इस घर से मेरी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन मेरा इसी घर में गुजरा है। और ये मेरे मामा को प्रणाम करने के बाद हम अंदर गए, और घर में शादी का माहौल देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी। सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सबसे ज़्यादा मैं मिलना चाह रही थी अपनी बहनी से, जो मेरी मौसी की लड़की है, और उससे मिलने के बाद जो मुझे खुशी हुई है, क्योंकि ये मैं इसको बचपन में बहुत ही ज़्यादा खिलाई हूँ, तो मुझे लग रहा था कि यार इसे मिल लूँ मैं जल्दी से। और उधर बीच में इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं इसे मिलने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उस टाइम राजा बेटा की भी तबीयत ख़राब थी और ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहती है, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। फिर यहाँ छोटी वाली सिस्टर मौसी से ऐसे मिल रही है, क्योंकि मौसी की लाडली है, और यहाँ राजा बेटा भी दोस्ती करना शुरू कर दिए हैं बहनी से, तो यहाँ पे मिली भगत हो रही है। फिर यहाँ मैं अपनी सारी बहनों से मिल रही थी, सारी मामा की लड़कियाँ हैं और मेरी मामा की लड़की की शादी भी है, तो मैं आई थी यहाँ मिलने के लिए। फिर लास्ट में मैं जाके नानी से मिली, नानी यहाँ पे बैठी थी। तो नानी से मिलने के बाद मैं राजा बेटा को बोल रही थी कि आओ नानी को प्रणाम करो, लेकिन राजा बेटा भी मस्ती के मूड में, वो बिल्कुल किसी को प्रणाम नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो इतने दिन बाद यहाँ पे आए थे। वो काफ़ी छोटे थे जब आए थे, तो यहाँ आने के बाद वो बोरे वगैरह पे खेलना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये सब चीज़ें इन लोगों को कभी नहीं मिलता है। तो ये सारे बच्चे बोरे पे खड़े होकर खेल रहे थे। राजा बेटा को ये सब चीज़ें मज़ा आती है, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें उनको नहीं मिलती अचानक से, वो सब चीज़ें देख लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी, मैंने कहा आज आप पूरा इंजॉय करो,